बात है, सीतापुर गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति अपनी दो छोटी बेटियों सृष्टि और प्रीता के साथ रहता था, जो कि अपने पापा महेश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनकी हर बात मानती थी। दोनों ही एक स्कूल में जाती थी जहां वो पहली क्लास में पढ़ा करती थी। उनका परिवार काफी ज्यादा गरीब था, जिसकी वजह से स्कूल में भी सृष्टि और प्रीता को बच्चे बहुत चुराया करते थे। सबसे ज्यादा उस स्कूल का सबसे शैतान बच्चा करण प्रीता को बहुत परेशान किया करता था। इसकी वजह से प्रीता बहुत चिढ़ जाती थी, पर करण उसे परेशान करना नहीं छोड़ता था। कभी उसकी चोटी खींचा करता तो कभी उसे चिढ़ाया करता। प्रीता भी कुछ कम नहीं थी, कभी उसे नचड़ा बंदर कहती तो कभी लंगूर कहती, तो कभी उसके बालों पर चिंगम लगा देती। और वो दोनों मैंने काफी समय से देखती आ रही थी कि सभी के घरों में बहुत ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और गणपति बप्पा को घर लाया जाता है। तब वो दोनों बहनें अपने पापा महेश से थोड़ी सी जिद किया करती कि पापा, हम गणपति बप्पा को घर में लेकर कब आएंगे और क्या गणपति बप्पा सच में हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा वो भी। तब महेश अपने दोनों बेटियों से कहता है कि हाँ, अगर हम सब गणपति बप्पा को मन से याद करें तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। प्रीता और सृष्टि सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों दिल से गणपति बप्पा को याद कर लें। अगले दिन जब वो दोनों स्कूल जाती हैं, तब पृथ्वी नाम का लड़का सृष्टि और प्रीता को परेशान करने लगता है। तभी प्रीता और सृष्टि दोनों गणपति बप्पा को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर करण आ जाता है और पृथ्वी को खूब सबक सिखाता है। इसी तरह तीनों में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद करण प्रीता और सृष्टि का अच्छा दोस्त बन जाता है। यही बात प्रीता और सृष्टि घर जाकर अपने पापा महेश को बताती हैं कि पापा, आज हमने ना जैसे ही गणपति बप्पा को याद किया तभी करण हमारी हेल्प के लिए आ गया। तब वो इनसे कहता है कि देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तभी तो उन्होंने करण को भेजा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद महेश कहता है कि बेटा, आज से ना तुम दोनों रोज गणपति बप्पा की पूजा करना। हो सकता है कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद रहा तो हम लोग गणपति बप्पा की बड़ी सी मूर्ति को घर जरूर लेकर आएंगे। इसके बाद महेश, प्रीता और सृष्टि तीनों ही रोज सुबह उठकर गणपति बप्पा की पूजा करने लगती हैं। महेश की जिंदगी में भी जो परेशानी चल रही थी वो सब धीरे धीरे खत्म हो गई। साथ ही उनका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा था, जिसके चलते वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे से कपड़े खाने की चीजें लेकर आता था। जो वो चाहती थी वो सब करता था। वही प्रीता और सृष्टि को भी धीरे धीरे सारी विशेष पूरी होने लगी थी, जो वो चाहती थी कि हमारे पास एक घर हो और पापा हम सब खुश रहें। ठीक वैसा ही होने लगा था। उन तीनों को ये भी भरोसा था कि ये सब कुछ गणपति बप्पा का ही आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।